आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सब मतलब इंडियन सिटीज 10 इंडियन सिटीज जिसमें सबसे ज्यादा बिगेस्ट मुसलमान पॉपुलेशन 2024। आप पहले हम पुरानी हमने आपके लिए 2024 की लेटेस्ट बनाई है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया कौन सी सिटी में है मुसलमानों की। और आज की वीडियो का आपको पता तो लग गया, इंट्रो आपने इसको दे दी है, तो हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, और मैं हूं अनीशा और आप वॉच कर रहे हैं लाइफ एडिशन। मैं हूं बहिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हां जी गाइस, इस वीडियो को पूरे देखने बाद हम फिर आपको। हां जी गाइस, हम चलने लगे हैं इंडियन की वो सिटी में मुसलमान रहते हैं आज की धमाकेदार वीडियो में। भारत रकबे के लिहाज से दुनिया का सातवां बड़ा मुल्क और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब के लोग आबाद हैं और दुनिया के हर 100 में से 18 लोगों का घर आज भारत ही है। भारत में 1600 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ मजाहिब को फॉलो किया जाता है और इन्हीं में से हिंदू मत, ईसाइत और इस्लाम सरे फहरिस्त नजर आते हैं। मुसलमानों की बात करें तो साल 2001 के आदादो शुमार के मुताबिक यहां पर 13.8 करोड़ आबादी मुस्लिम थी, जो कि 2011 तक बढ़कर 17.22 करोड़ हो चुकी थी। ताहम आज भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के वो कौन से शहर हैं कि जहां पर मुसलमानों का बोलबाला है और किन शहरों के अंदर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी कहीं ज्यादा है? अगर नहीं तो आज हम भारत के उन्हीं 10 शहरों की बात करने वाले हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद बेशुमार है। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 10, चेन्नई। चेन्नई भारत के बड़े और गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जो भारत के आईटी हब, एजुकेशनल हब और मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। चेन्नई को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ की कुल आबादी 1,23,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। चेन्नई में 11,62,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 9.45% हिस्से पर मुश्तमिल है। चेन्नई में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.51% है, जो कि इसको भारत का 10वां सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। नंबर 9, पुणे। पुणे इंडियन रियासत महाराष्ट्र का एक इंतहाई अहम शहर है, जो कि कल्चरल और तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। पुणे की कुल आबादी 73,00,000 अफराद से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमान 7,72,000 से ज्यादा आबादी रखते हैं। पुणे में मुस्लिम आबादी का तनासुब 11% से ज्यादा है, जबकि इस शहर में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 1.98% है। नंबर 8, बेंगलोर। बेंगलोर भारत का एक जदीद और गुंजान आबाद शहर है, जो कि भारत के अंदर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। इस शहर की खूबसूरती, यहाँ की कदीम तरीन अमारात और सकाफत इस शहर की अहमियत को मजीद उजागर करती हैं। बेंगलोर की कुल आबादी 1,40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुसलमान 17,48,000 की कसीर आबादी के साथ आबाद हैं, जिनका तनासुब इस खूबसूरत शहर के अंदर लगभग 14% बनता है। बेंगलोर में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 3.56% है, जो कि इसको भारत का 8वां बड़ा मुसलमान अक्सरियत वाला शहर बनाता है। नंबर 7, दिल्ली। दिल्ली भारत का कैपिटल, इसका सबसे बड़ा शहर और दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो कि यहाँ के लोगों, यहाँ की तारीख और आजकल यहाँ की पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। दिल्ली की कुल आबादी 2,32,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है।
यहाँ पर 33 लाख के लगभग मुसलमान आबादी है, जो कि दिल्ली की आबादी का लगभग 13% हिस्सा बनता है। दिल्ली शहर में मुसलमान दूसरे बड़े मजहब के तौर पर मौजूद हैं, जिनका इस शहर के अंदर ग्रोथ रेट 2.94% से ज़्यादा है। नंबर 6, अहमदाबाद। अहमदाबाद भारतीय रियासत गुजरात के अंदर वाकया एक बड़ा ही मशहूर शहर है, जो कि भारत के अंदर फैशन और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की वजह से जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी 88,50,000 अफराद से ज़्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 12 लाख अफराद के करीब है, जो कि इस शहर की आबादी के 13.51% हिस्से पर मुश्तमिल है। अहमदाबाद में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.40% है। नंबर 5, कोलकाता। वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत और मशहूर तरीन शहर कोलकाता भारत के कल्चरल हब की सी हैसियत रखता है और इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। कलकत्ता शहर अपनी एक काफ़ी कदीम तारीख रखता है। यहाँ की कुल आबादी 1,56,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर में 32 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि आबादी के 20.60% हिस्से पर मुश्तमिल हैं। कलकत्ता के अंदर मुसलमान अपनी एक अलग मजहबी और सामाजिक हैसियत रखते हैं और यहां पर मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 0.89% है। नंबर 4, मुंबई। माया नगरी के नाम से मशहूर शहर मुंबई को भला कौन नहीं जानता। मुंबई भारत का दूसरा बड़ा शहर और दुनिया का 9वां बड़ा शहर है। मुंबई भारत की रीढ़ की हड्डी और यहां पर फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। इस शहर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, जहां पर आकर काम करना और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करना हमेशा से ही इंसानों का ख्वाब रहा है। मुंबई की कुल आबादी इस वक्त 2,16,00,000 से ज़्यादा है। यहां पर तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि यहां की आबादी का 20.65% हिस्से पर मुश्तमिल हैं। मुंबई शहर में मुस्लिम ग्रोथ रेट 1.27% है। मुंबई में भारत के 4थे सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। नंबर 3, हैदराबाद। हैदराबाद भारत का एक कदीम तरीन और मशहूर तारीखी शहर है, जो कि अपनी एक कदीम तरीन सकाफती और तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ पर आपको कदीम सकाफत और तहजीबों के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे, जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। हैदराबाद की कुल आबादी 1,09,00,000 अफराद से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 32 लाख अफराद से ज़्यादा बनती है। हैदराबाद में मुसलमान कुल आबादी के लगभग 30.13% हिस्से पर आबाद हैं और यहां पर मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.63% है। नंबर 2, कोझीकोड़े। कोझीकोड़े भारतीय रियासत केरल में वाकया एक मशहूर शहर है, जो कि केरला की आईटी और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी मकबूलियत रखता है। कोझीकोड़े की कुल आबादी 42 लाख अफराद से ज़्यादा है और यहाँ पर मुसलमान 16 लाख की बड़ी आबादी के साथ रहते हैं। कोझीकोड़े का सबसे बड़ा मजहब हिंदू मत है, लेकिन मुसलमान यहाँ की आबादी के 37.6% हिस्से पर आबाद हैं, जबकि कोझीकोड़े में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 5.27% है। नंबर 1, श्रीनगर। श्रीनगर भारतीय रियासत जम्मू एंड कश्मीर में वाकया एक खूबसूरत शहर है, जो कि जम्मू कश्मीर के कैपिटल की भी हैसियत रखता है। इस शहर की खूबसूरती देखने लोग दूसरे मुमालिक से भी यहां पर आते हैं और इस शहर को भारत के अंदर जन्नत नज़ीर शहर कहकर पुकारा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी लगभग 17.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुसलमानों की एक काफ़ी बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनकी कुल आबादी 16 लाख अफराद से ज़्यादा है। श्रीनगर की कुल आबादी के 95% से ज़्यादा हिस्से पर मुसलमान आबाद हैं, जबकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 2.34% है और यही सब इस शहर को भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। तो गाइस मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी गाइस।
बहुत इन्फॉर्मेटिव सी गाइस, हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ रहते हैं। टॉप 10 में कोजी कोड़े में फर्स्ट टाइम नाम सुना है जी। कोजी कोड़े उसकी पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये एक मतलब पॉपुलर है। बेटे कहते हैं ये हम जो सारी देख रहे थे नंबरिंग, जहाँ जहाँ मुसलमान ज्यादा है तो दूसरे नंबर पे इस शहर में सबसे ज्यादा मुसलमान है इंडिया में मैंने गैस किया था कि ना हैदराबाद होगा, क्योंकि हमने हैदराबाद की साल मनाई वाली वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया, आपने बोली नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख ले। जी, जी, बोली देखी है ना, तो मुझे तो लगा था कि वो है, लेकिन मुझे श्रीनगर में सबसे ज्यादा गाइस उसमें 17 लाख है ना, 17 लाख पॉपुलेशन है टोटल, उसमें 16 लाख मुस्लिम है और बाकी अलग अलग मतलब। जी गाइस, जी गाइस मैंने भी हैदराबाद में किया था जरा, हम सब ने कहा था हैदराबाद जरूर ना नियरेस्ट होगा, इसलिए वो थर्ड में आए हैदराबाद, तो बहुत अच्छी बात है थर्ड में। और गाइस श्रीनगर, मैं तो गाइस श्रीनगर में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि उतने मुस्लिम पॉपुलेशन है, जरूर जाएंगे, बल्कि वो जगहों पर भी जाएंगे। सबसे पहले हम मुंबई में रहेंगे, हम तो उसी मुंबई आएंगे इब्राहिम सबसे पहले। अभी इब्राहिम ने कुछ वीडियो में जब हैदराबाद देखते हैं, हम सबसे पहले हैदराबाद आएंगे, वहाँ के खाने खाएंगे, वहाँ की सैर करेंगे। अब इब्राहिम अब मुंबई पहले जाना, मुंबई मैं मुंबई जाके वहाँ पर मुझे ख्वाबों का शहर है, ख्वाब कर रहे जी गाइस, मैं भी छोटे छोटे ख्वाब में मुंबई आके पूरे। जी गाइस भैया तो मतलब मुंबई जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, मुंबई फिर बेंगलोर जी, उसके बाद जी फिर आपको जानने के बाद के सीधा जी हाइटी आप जान जुड़ के सीधा जाके हैदराबाद आके खाने खाने के लिए, क्योंकि पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। गाइस हम इंडिया आएंगे ना, सब अपना सब ना आपसे भी मिलेंगे आके, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उसके लिए आप तुम पहले फेमस हो जाएगा। गाइस आप हमारी वीडियो भी नहीं देखते, गाइस हमारी वीडियो देखा करें ना, गाइस हमें मोटिवेशन मिलती है, गाइस आपको पता है ना, गाइस आपने पहले हमको इतना ज्यादा एकदम से सपोर्ट करना सीख दिया था, गाइस आप हमें अब भी ऐसे सपोर्ट करें, गाइस आपने ना आपने हमें ऐसी सपोर्ट किया ना, तो हम ना वीडियो ना और ज्यादा बनाएंगे और मोटिवेशन हमें मिलेगी और हम वीडियो और अच्छी अच्छी क्वालिटी बनाएंगे। जी गाइस आपने ना हमें पॉपुलर बनाना है, मतलब फेमस बनाना है, तो हमने फिर हम इंडिया अपने अपने दोस्तों से, जब दोस्तों अपने व्यूवर्स से मिलने आए, उनसे मिले, उनसे इंडिया में तो जो मेरे व्यूवर्स दोस्त होंगे मैं उनसे पूरा इंडिया की सारी लैंग्वेजें जानूंगी, सब बस कितनी लैंग्वेजेस इंडिया की बता रहे थे, 1600 अच्छा मैं तो कभी ना इंडिया के वो देखते हुए, हमें वैसे खैर इंडिया से बाहर से भी बहुत सब देखते हैं, उनका भी थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू सो मच। पता ही है बेटी मैं ये कह रही थी कि ना वो गाइस मुझे तो लगता है हम लकी है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, आपको पता है लाहौर के बिल्कुल पास ही ना इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है लाहौर के पास ही, क्योंकि वो लाहौर इंडिया इंडिया के साथ ही है लाहौर, इसलिए हमें इंडिया में आसानी से हम तो अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं इंडिया, क्योंकि लेकिन थोड़ी लेट हो जाएगा, हम तो एयरप्लेन में आएंगे। जी गाइस मुझे तो खुशी है, मैं मुझे अपने को प्राउड है, सो प्राउड है मैं कि मैं इंडिया देखती हूँ, इंडिया के सिटीज देखती हूँ, कितना कुछ जानने को नॉलेज ही मिलता है, मुझे
बहुत प्राउड ऑफ मायसेल्फ है, बहुत मुझे प्राउड है। गाइस आप हमारी वीडियो देखेंगे ना आपको ना ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे हमारे साथ देखते हैं अच्छा लगता है। और गाइस जैसे हम एक्शन देते हैं ना हम ना मतलब डिस्कस कर मतलब करते हैं कि इस वीडियो में क्या होना चाहिए, जी आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे तो बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, खुशी भी होती है। जी गाइस हमने तो ये पूरी इंडिया की टेस्ट सीरीज बहुत एंजॉय की, अगर आपने भी एंजॉय की है वो जरूर एंजॉय की होगी। फैमिली को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, फैमिली से भी पहले करिएगा और सब्सक्राइब उससे भी पहले करिएगा। और हम सी लाइक इंडिया और मिले अपने फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स से और सबसे।